स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे यूपीएससी में प्री और मेंस में भी। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन, विज्ञान एवं तकनीकी कृत्रिम हिमपात बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक में क्या हुआ था। कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो हमारे स्नो जो कैसे आया, बर्फ कैसे आया, क्या क्या वो ये बातें बाद में निकल के आई है देख सकते हैं। ये आर्टिफिशियल जो बर्फ वहां बनाए गए थे इस तरह से ये निकल के निकाल के, तो ये देख ये जो इस पे कर रहा है ये बर्फ पे स्केटिंग, तो ये देख रहा होगी आप। तो अच्छा बात करते हैं इस पे, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में नकली बर्फ का जो इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण शीतकालीन ओलंपिक का ज्यादातर जो 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 बर्फ यूज में किया गया था वो आर्टिफिशियल था, नकली बर्फ का यूज किया गया, आर्टिफिशियल यूज का किया गया, तो कैसे क्यों करें। एक रिपोर्ट के अनुसार कम सर्दियों के कारण, सर्दी कम पड़ रही है तो बर्फ बर्फ नहीं बनेगी, बर्फ नहीं बनेगी, बर्फ कम बनेगी तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो प्रकृति में बर्फ पिघलने के अधिकारियों के लिए शीतकालीन ओलंपिक के लिए कृत्रिम बर्फ की व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया। अगर यदि नेचुरल बर्फ बनती सर्दी से अच्छी पड़ेगी अच्छी रहेगी तो जो नेचुरल बनेगी, अब नई नहीं बन रही तो फिर जो आर्टिफिशियल जो जितनी भी ये है ना, तो इसकी जो व्यवस्था की गई, तो कृत्रिम बर्फ का एक जो जिसे शीतकालीन प्रतियोगी के लिए अनुशासित किया गया जाता है वह बर्फ है जिसे सख्त करने के लिए पानी के साथ इंजेक्ट किया जाता है, इसे पानी के साथ इंजेक्ट किया जाता है, फिर ये कठोर बर्फ को बनाए रखने के लिए रसायनों की मदद ली जाती है, इसमें रसायनों की, ठीक है, इसे कठोर करने के लिए। जो कृत्रिम बर्फ बनाने के लिए जल और जल की जल ऊर्जा का उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है, किसकी, जल की, यानी कि H2O पानी की, प्लस जो ऊर्जा की एनर्जी की जो हाई उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार जो अनुमानित जो 49 मिलियन गैलन जो पानी के लिए जो 74 जो ओलंपिक आकार के पोलों को भार देगी नकली बर्फ के लिए उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। इसमें जो 1.2 मिलियन क्यूबिक मीटर जो फोनी स्नो फॉक्स बनाने के लिए 130 पंखे से चलने वाले स्नो जनरेटर और जो 300 स्नो मेकिंग के गन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द 130 फैन ऑपरेटेड स्नो जनरेटर्स एंड द 300 स्नो मेकिंग गन्स फॉर द क्रिएटेड द 1.2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स द फोनी स्नो फॉक्स। समझ, तो देखो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए चीन ने इटली से मंगाई है ये मशीन जो बनाई ना, जो मैंने दिखाई ऊपर से और जो अभी दिखाऊंगा, ये जो इसके पास नहीं थी, इसने इटली से मंगाई है जो आर्टिफिशियल बर्फ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ बीजिंग और शीतकालीन ओलंपिक होने थे, ठीक है, जो जो बर्फ पे होते हैं। मशीन बर्फ के जो कणों को जल वाष्प की एक पतली धुंध के रूप में जमीन पर जो जमीन से 60 मीटर ऊपर जो छिड़कती है, ये जो ये ऐसे छिड़केगी 60 मीटर ऊपर जो मशीन, जो अब जो ये कण जो बर्फ में बन जाते हैं और जो फिर गिर जाते हैं, यहाँ बर्फ बने और नीचे गिर जाती है इस तरह से, देख ये देखो ये 60 मीटर ऊपर है, ये ऐसे की जो छिड़केगी ये कण बर्फ में बनेंगे और नीचे गिर जाते हैं, इस तरह का यूज किया गया। अच्छा, कृत्रिम हिमपात बनाना, प्राकृतिक हिमपात कैसे, जो आर्टिफिशियल जो स्नो और जो नेचुरल स्नो में क्या अंतर है, बर्फ में क्या अंतर है। अच्छा, कृत्रिम बर्फ और जो कृत्रिम आइस जो है, कृत्रिम जो स्नो है जो प्राकृतिक, दोनों ही क्रिस्टल के पूरी तरह से अलग रूप है, दोनों अलग अलग है। प्राकृतिक रूप क्रिस्टल नाजुक और नुकीले होते हैं, जो प्राकृतिक होंगे उसके जो क्रिस्टल के जो क्रिस्टल नाजुक होंगे और जो नुकीले होंगे, ये नुकीला रहेगा, और जो एक साथ चिपकते हैं बर्फ के टुकड़े के बनते हैं, जबकि कृत्रिम बर्फ क्रिस्टल नुकीले के बजाय गोल होते हैं, जो आर्टिफिशियल होंगे उनके जो क्रिस्टल होंगे वो गोल और जो कुछ जो घने नहीं होती है, बर्फ घनी होती है इसमें। और प्राकृतिक गम बर्फ जो कम घनत्व के कारण जो ठंड को बरकरार नहीं रखती, ये जो कम घनत्व होता है तो ठंड यहाँ पे मतलब पड़ती नहीं मतलब कम रहता है, मतलब टेम्परेचर फिर बढ़ता चला जाता है, लेकिन तेजी से पिघलती है और तेजी से पिघलने लगती है ये, जबकि कृत्रिम बर्फ जो आर्टिफिशियल बर्फ होती है तो ये अधिक घनत्व वाली होती है, वो जो बढ़ते हुए तापमान के विरुद्ध भी कारगर है, जैसे जो कम जो मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो भी ये काम करेगी। अच्छा, पारिस्थितिक जो जो सरोकार इकोलॉजिकल कंसर्न्स, तो ये क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा इसका, ये जो देखते हैं कि भाई हमारा तो कृत्रिम बर्फ का जो निर्माण भारी जो पर्यावरणीय लागत पर आधारित है, पर्यावरणीय लागत पर आधारित है, हालांकि जो कृत्रिम बर्फ का प्राकृतिक बर्फ की तरह जो अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन उसके उत्पादन की प्रक्रिया पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है। नेक्स्ट, पहला है हमारा कृत्रिम बर्फ और जो प्राकृतिक बर्फ की तुलना में बहुत धीमी गति से पिघलती है, जो कृत्रिम बर्फ होती है वो प्राकृतिक बर्फ की तुलना में बहुत धीमी गति से
से पिघलती है। यह जल स्तर पर सामान्य स्तर पर बनाए रखती है, जल स्तर को सामान्य स्तर पर बनाए रखती है। कृत्रिम बर्फ जो पौधे और जो पौधों पर बर्फ की परतें बना सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यह बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत के साथ साथ पानी की भारी बर्बादी होती है। इसमें क्या होगी, जब हम आर्टिफिशियल जो बर्फ बनाएंगे तो ऊर्जा की खपत होगी, ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी, प्लस पानी की जो पानी की भी बहुत बर्बादी होगी। और जो यह महंगा, ये सब महंगा और जो टिकाऊ नहीं है, ये बहुत महंगा भाई, मशीन मंगाई है उस कहाँ से मंगाई, इटली से मंगाई है। अब ठीक है, ये तो चलो ठीक है भाई, ओलंपिक के लिए मंगा ली, वैसे तो यूज नहीं कर सकते हम इसे उसमें डेली उसमें, तो ये बहुत महंगा हो जाएगा और टिकाऊ भी नहीं है। ठीक है, यूज भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होंगे इसमें। तो इन सभी परिवर्तनों के अज्ञात दीर्घकालिक प्रभाव के साथ जल चक्र में प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का जो क्षमता रखती है। इससे जो आर्टिफिशियल यूज करेंगे तो हमारे जो ये जो जो अज्ञात और दीर्घकालीन प्रभाव जो ये जल चक्र को इफेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, ये देखो मैंने बताया।